धर्मशाला स्थित शहीद मार्ग पर संसद में कांग्रेस के गतिरोध के विरोध में रखे गए उपवास के दौरान कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद शांता कुमार ने कहा कि विपक्ष पर पहले खुद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, जब हम उस पर विचार करने की बात कहते हैं तो विपक्षी सांसद हो हल्ला करने शुरू करते हैं। शांता ने कहा कि ऐसी आवाजें उन्होंने बचपन के दौरान जब वे जंगल में होते हुए स्कूल जाते थे तब जंगल से आती सुनी थी। आज वैसी ही हू हू की आवाजें विपक्षी विधायकों के मुंह से सुनाई दे रही हैं। शांता कुमार ने कहा कि राज्यसभा व लोकसभा में संसद का कार्य शर्मनाक है। विपक्ष की हरकतें से उनके जैसे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों के कृत्य से तो ऐसा लगता है कि मानो कांग्रेस अपना अस्तित्व समाप्त होता देख रही है। शांता कुमार ने कहा कि आज वे ये जनता के दरबार में आए हैं क्योंकि जैसा अब हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, ज्वालाजी के विधायक रमेश द्वाला, अरुण मेहरा, रविंदर दीवान, मुल्कराज प्रेमी, होशियार सिंह, अर्जुन ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। उपवास के देखिए सरकार तो हमारी है लेकिन कांग्रेस लोकसभा के अंदर उसे पूरे विश्व में भारत का लोक संसद विचार करने का स्थान देखा। संसद में कांग्रेस विचार करने बात करने नहीं, अजीब किस्म की स्थिति। एक तरफ नो कॉन्फ्रेंस ला रहे और जो ही उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया हमारी ओर से कहा गया हम विचार करने के लिए तैयार हैं। तो स्पीकर महोदया ने नियम के मुताबिक पूछना चाहा कि इस प्रस्ताव के हक में कितने लोग खड़े हो जाए तो पूरा विपक्ष शोर मचाने लगा, हू हू करने लगा। उनकी हालत यह है कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन हम चर्चा होने नहीं देंगे। एक अजीब स्थिति। आज जैसा उपवास हमको करना पड़ा इस किस्म के विषय पर भारत के इतिहास में कभी उपवास किसी को नहीं। दुर्भाग्य की बात, हम चर्चा के लिए तैयार, हम चर्चा चाहते हैं। कांग्रेस वाले कह रहे चर्चा करो, आप चर्चा नहीं होने दे रहे लेकिन सदन में चर्चा होने नहीं देते, शोर मचाते हैं। इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर देश की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कोई तरीका हमारे पास नहीं तो हमने दो तरीके अपनाए। एक तो इन दिनों का अपना सारा वेतन भत्ते हमने वापस कर दिया। सभी भाजपा और एनडीए के एमपीज ने वेतन भत्ता उन दिनों का वापस किया। दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री ताकि यही काफी नहीं है, सभी सांसद व्रत करें, उपवास करें और वहां पर हम जनता को बताएं कि आज देश में लोकतंत्र क्या है, इसलिए हमको आज